हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ECC क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे, जो NCERT में एक्सरसाइज 2.5 है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी और हम लोगों ने ये सीखा डिग्री क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, जीरोस क्या होते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को हम लोग फिनिश करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है और अब जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हम लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रहे हैं और जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक्स को भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट और इसको यूज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियोस है वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बी सेफ एंड स्टे एट होम। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूलाज मैंने लिख दिए। जो लास्ट फार्मूला है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर सपोज करें अगर फैक्टर है इसमें एक्स माइनस बी अगर होता है तो बी की जगह पर हम माइनस बी रिप्लेस कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हो गए बेसिक्स। अब इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं।
कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल जो आपकी बुक एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। तो वैसे तो हम इसे सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करें तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, इसलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इंटू फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इन एंटिटीज़ को आप एक बार देख लें, नोट कर लें, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें इवेल्युएट करना है 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग, जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हमें। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। अब ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 40 प्लस 30 सॉरी ये 11 सॉरी ये होगा 1100 प्लस 30। फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 111 है ना। हमें इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके बिना ही हमें इसे सॉल्व करना था। अब देखिए, वैसे तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, आप द टेक्स्ट बुक्स में इसको सॉल्व करेंगे, फिर भी यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको इस तरह की कैलकुलेशन को करने के लिए। 105 एल टू 106 करना था हमें। 105 क्या है, 100 से 5 ज़्यादा है, हमने प्लस 5 लिख दिया। 106 क्या है, 100 से 6 ज़्यादा, हमने प्लस 6 लिख दिया। इस 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है 30। या तो हम इस 106 में इस 5 को ऐड कर दें या इस 105 में 6 को ऐड कर दें, कितना आएगा 111 111। देखिए आपका ये आंसर आ रहा था 111130। हमें फैक्टराइज करना है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। हम इसे लिख सकते हैं 5x/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी का आइडेंटिटी है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड को होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स आइडेंटिटी। अब देखिए, जैसे सपोज करें कि हमें लिखना है x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ y है हमारे इस ओरिजिनल इक्वेशन में वहाँ वहाँ माइनस वाई रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर वही वाई स्क्वायर आएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, सपोज करिए हमें कैलकुलेट करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो अब जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ माइनस वाई रखेंगे, जहाँ जेड होगा वहाँ माइनस जेड रिप्लेस करेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस, अब देखिए माइनस वाई इंटू माइनस जेड प्लस जेड हो जाएगा, टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। अगर हमें माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसे सिंपल एक्सपेंड करना हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड, जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, इसमें हम एक्स जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं माइनस टू जेड एक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारा सेम है ना, देखिए सारे टर्म सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर एक बार फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वाई की जगह पर माइनस वाई था, तो ये और ये तो सेम टर्म है, सिर्फ वाई अगले जिस टर्म में है वहाँ हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ वाई है नहीं इसलिए साइन चेंज नहीं हो रहा, सेम साइन है, प्लस का प्लस है। अगली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हम इस तरह भी लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर हम वाई की जगह पर माइनस वाई रखते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई की जगह पर माइनस वाई रिप्लेस करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस साइन होगा माइनस वाई क्यूब।
और यहाँ से ही हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका भी दो फॉर्म है, एक फॉर्म तो ये होगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले को लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फैक्टर फॉर्म हो गया। इस फॉर्म में हम फैक्टर, जब हमें फैक्टराइज करना होता है तो हम इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग इन आइडेंटिटीज पर भी। जैसे अगर हमें निकालना है 104 का क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 100 प्लस 4 का क्यूब, तब ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः जीरो प्लस 64 प्लस 1200 इंटू 104 फाइनल सॉल्यूशन करके, सारे मल्टीप्लाई वगैरह कर करके इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1124864। तो हम लोग कैलकुलेशन में भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। मिक्स आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका एक और भी फॉर्म होता है, मैं उसे प्रूव कर रहा हूँ। हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो से डिवाइड देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू। अब देखिए हम अपने अकॉर्डिंग्स को सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड, सॉरी टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, सॉरी एक्स तो खत्म हो गया, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने ये जो टर्म है ना, इस टर्म को इसमें लिखा अलग अलग करके, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्म ये भी होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Use suitable identities to find the following products. तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको ध्यान से सुन। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी आई, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तो ये है एक्स प्लस एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एट माइनस टेन एक्स प्लस एट इंटू माइनस टेन, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ वैसा ही होगा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए है और एक्स की जगह यहाँ पर थ्री एक्स हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फाइव इंटू थ्री एक्स। मैं अब एक बार माइनस फोर इंटू फाइव, फाइव का माइनस साइन उसको चेंज कर रहा, थ्री एक्स स्क्वायर सॉरी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी। फिर से लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी। नेक्स्ट, ये ए प्लस बी ए माइनस बी पर बेस्ट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई पर पावर फोर माइनस नाइन बाई फोर। ये भी ए प्लस बी माइनस बी पर है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर। इवेलुएट करना हमें विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब ये x प्लस a x प्लस b के फॉर्म में हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स यानी 100 प्लस ए बी 3 × 7, ये हो जाएगा प्लस 21। फाइनल वैल्यू आ जाएगा इसका 11021। और देखिए हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, 103 107, ये 3 ज़्यादा है 100 से, ये इससे आधा ज़्यादा, 7 × 3 21, 7 मल्टीप्लाई 107 + 3 करें या 103 + 7 करें, 110 आएगा, ये आंसर हो गया हमारा। देखिए यही आ रहा था 110 21। नेक्स्ट 95 × 96, हम इसे लिख सकते हैं 100 - 5 × 100 - 4। तो ये x प्लस ए माइनस ए उसी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 - 4।